हेलो फ्रेंड्स, मुझे राकेश पुरोड़ा आपको वेब सक्सेस को स्वागत जनाऊँ। आज आम देखा कि जो स्पोर्ट्स आउ इवेंट रो जी रही करंट अफेयर्स भी रोचे कि मानने स्पोर्ट्स सरी तार को मैंने जीति को मैंने हार तो स्पोर्ट्स टोटाल आज देखा तो फास्ट रहा कौन हॉकी मेन्स वर्ल्ड कप। हॉकी मेन्स वर्ल्ड कप टोटाल नंबर ऑफ टीम कैसे खेलती ना 12 टीम खेलती। नेक्स्ट रहा तो सब अधिक टाइटल किए जीति सब अधिक जीति पाकिस्तान 4 थर जीति इंडिया कत थर जीति ना इंडिया थे जीति तो फास्ट केबे हेई थिला हॉकी जो मेन्स चैंपियंस वर्ल्ड कप टाइम फास्ट के 1971 मसीह ना स्पेन रही स्पेन बार्सिलोना रही तो विनर से किए थे विनर थी पाकिस्तान। तापर जो तक पड़ो से निहाती होती कि 2010 2014 2018 तो 2010 कौटी ना 2010 मसीह इंडिया रही न्यू दिल्ली में विनर थी किए ऑस्ट्रेलिया थी 2014 मसीह रही नेदरलैंड रही थी द हेग रे तार विनर किए थी विनर थी ऑस्ट्रेलिया द हेग रु इन कौन मन पड़ी कि द हेग रु जो आम अच्छी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग रे नेदरलैंड रे तो विनर आम किए रही से 2014 मसीह ना ऑस्ट्रेलिया थी रनर्स अप किए थी ना नेदरलैंड थी होस्ट कंट्री। नेक्स्ट रहा 2018 मसीह कौटी हम ना ओडिशा भुवनेश्वर हम 2018 मसीह पड़ी बहुत संभावना अच्छी। नेक्स्ट रहा हॉकी ओमेन्स वर्ल्ड कप। हॉकी ओमेन्स वर्ल्ड कप नंबर ऑफ टीम्स हो 12 मोस्ट टाइटल किए नहीं नेदरलैंड नेदरलैंड मोस्ट टाइटल नहीं 8 थर नहीं इंडिया से 0 इंडिया किसी आनी 2010 मसीह कौटी होता अर्जेंटीना रही है रोसारियो अर्जेंटीना रोसारियो रही 2010 से विनर थी कि अर्जेंटीना तो मोस्ट इंपोर्टेंट रही कि 2014 2018 2014 मसीह कौटी होता द हेग नेदरलैंड रही है विनर भी नेदरलैंड रही है लंडन रही है 2018 लंडन हम सरी 2018 लंडन हो सारी एवं सारा तार विनर किए रही विनर रहा नेदरलैंड रहा रनर्स अप रहा आयरलैंड एटा मोस्ट इंपोर्टेंट देखि थे। नेक्स्ट रहा फिफा वर्ल्ड कप फुटबॉल। फिफा वर्ल्ड कप जो आम रही तार टोटल नंबर ऑफ टीम के रे टोटाल रहा 32 आ फिफार चेयरमैन किए गियानी इनफांटियो। नेक्स्ट रहा मोस्ट टाइटल किए पाई मोस्ट टाइटल अधिक टाइटल नहीं ब्राजिल नहीं। नेक्स्ट रहा 1930 मसीह फास्ट वर्ल्ड कप होता तो से कौटी ना उरुग्वे होता और चैंपियन भी उरुग्वे होता। नेक्स्ट रहा 2014 मसीह 2018 मसीह यदा मन रखी 2014 मसीह ब्राजिल 2018 मसीह रुषिया होता तो 2014 मसीह चैंपियन किए थी जर्मानी थी ब्राजिल खेल होता ब्राजिल चैंपियन होता जर्मानी रनर्स अप होता किए अर्जेंटीना होता रनर्स अप 2018 मसीह रुषिया होता चैंपियन किए है फ्रांस 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 रही चैंपियन आ रनर्स अप है किए क्रोएशिया ये 4 गोल दे फ्रांस आ क्रोएशिया 2 गोल तो 4-2 जीति फ्रांस। नेक्स्ट रहा मोस्ट गोल किए देता मोस्ट गोल जो गोल्डन बुट अवार्ड मिलता है मोस्ट गोल को तो लुका माड्रिक किए मोस्ट गोल। नेक्स्ट रहा बेस्ट गोल कीपर जहाँ को गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया जाइए थीबाटो क्रोएसिस। नेक्स्ट रहा बेस्ट प्लेयर रहा गोल्डन बॉल अवार्ड दिया हरिकेन एति ही एग्जाम ऑलरेडी पढ़ी सारे जे गोल्डन जो गोल्डन बुट आउ गोल्डन गोल्डन बॉल अवार्ड पढ़ी सारी गोल्डन ग्लोब भी पढ़वर बहुत चांस अच्छी कि आगे भी बहुत चांस अच्छी तो पढ़वर आउ जीति किए कौ टीम जीति आम फ्रांस जीति रनर्स अप किए रही ना क्रोएशिया रनर्स अप रही है क्रोएशिया करेन्सी कि तार प्राइम मिनिस्टर ये सब भी देखी थे फ्रांस रो भी प्राइम मिनिस्टर कल ही प्रेसिडेंट पचार फ्रांस रो। नेक्स्ट रहा थेम सॉन्ग कौन थी 2000 फिफा रहा फिफा 2018 तार थेम सॉन्ग कौन थी लिव इट अप आ मास्कट कौन थी जाबिबिका मोस्ट इंपोर्टेंट मास्कट थी जाबिबिका आ 2022 कौन हम 2022 कतर में हम आ 2026 कौटी हम 2026 हम आम यूएस कानाडा मेक्सिको यूएस कानाडा मेक्सिको हम आउ एबे जो खेलुले के टीम खेलुले 32 टीम खेलुले 32 टीम खेलुले आ 2026 मसीह टोटाल 48 टीम खेले 48 टीम खेल इंडिया भी से पार्टिसिपेटेड कर। नेक्स्ट रहा 23rd फिफा रही तो ये मन रखी 23rd पचारे कि 2026 भी पचार। नेक्स्ट रहा फिफा ओमेन्स वर्ल्ड कप। फिफा ओमेन्स वर्ल्ड कप नंबर ऑफ टीम्स के 24 आ फिफा मेन्स रहा 32
मोस्ट टाइटल किए पाई यूएसए पाई तीन टा टाइटल आईना मोस्ट टाइटल किए पाई मोस्ट टाइटल पाई ब्राजिल पांच थर नेक्स्ट रहा 2015 मसीह विनर किए थी कानाडा सरी 2015 मसीह कौटा कानाडा विनर होता यूएसए रनर्सअप होता जापान 2019 मसीह फ्रांस एटा क्वेश्चन आसाला नेक्स्ट रहा फिफा कॉन्फेडरेशन कप एटा आसी एसएससी एग्जाम कॉन्फेडरेशन कप जोटा कि मोर शिफ्ट रे पड़ता फिफा कॉन्फेडरेशन कप नंबर ऑफ टीम के नंबर ऑफ टीम से 8 टीम मोस्ट टाइटल के ब्राजिल ब्राजिल 2017 कौट होता 2017 रुषिया होता तो ये क्वेश्चन पड़ता 2017 कौट होता ना रशिया विनर किए थे ना जर्मनी रनर्सअप होता किए चिली नेक्स्ट रहा फिफा अंडर 17 वर्ल्ड कप फिफा अंडर 17 वर्ल्ड कप कौट होता 2015 मसीह 2015 मसीह चिली होता विनर होता नाइजेरिया तो मोस्ट इंपोर्टेंट रही 2017 और 2019 2017 जो वर्ल्ड कप होता कौटी ना इंडिया होता विनर किए थे ना इंग्लैंड रनर्सअप होता स्पेनर आ 2019 कौटी हम ना पेरू पेरूर कैपिटल कौन लिमा नेक्स्ट रहा फिफा अंडर 19 वर्ल्ड कप एटा रहा अंडर 17 एटा अंडर 19 अंडर 19 ने 2017 कौटी होता 2017 साउथ कोरिया यहाँ होता 2017 इंडिया होता यहाँ 2017 आमर होता कौटी ना साउथ कोरिया विनर किए थे इंग्लैंड एंग्लैंड विनर आउ रनर्सअप होता है भेनेजुएला रनर्सअप होता है स्पेनर स्पेनर एथर रहा भेनेजुएला भेनेजुएला कैपिटल कौन अच्छे काराकस आउ 2019 हम कौटी ना पोलैंड हम 2019 पोलैंड रहा पेरू नेक्स्ट रहा फिफा अंडर 20 ओमेन्स वर्ल्ड कप यहाँ जोटा काली पड़ता काली पड़ता तार विनर किए थे फिफा अंडर 20 ओमेन्स वर्ल्ड कप तो विनर हूँ जापान आईटा कौटी होता 2018 मसीह फ्रांस रहा फ्रांस रहा विनर होता जापान आ रनर्सअप किए थे रनर्सअप होता स्पेन नेक्स्ट रहा एशियन गेम स्पेन कैपिटल कौन रहा स्पेन मैड्रिड नेक्स्ट रहा एशियन गेम आमर जो एवं चली था कौटे ना जाकर्ता इंडोनेशिया चली था तो एशियन गेम गुड़ाक फास्ट कौटी होता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एशियन गेम फास्ट होता न्यू दिल्ली में 1951 मसीह नेक्स्ट आसा 2014 मसीह कौटी होता ना इंचेन साउथ कोरिया इंचेन 2014 मसीह आउ 2018 जोटा कि ए वर्ष रहा मोस्ट इंपोर्टेंट 2018 होता जाकर्ता आउ प्लेमबांग जो इंडोनेशिया दीटा सहर जाकर्ता प्लेमबांग 2018 मसीह 2022 कौटी हम ना 2022 हम चाइन हंगुआ हम आ 2026 हम जापान नगोइया हम ये मन रखी थे 2018 विषय देखा एवं जो गेम सरी तो निहती पड़ो तो टोटल मेडल ऑफ इंडिया यहाँ पड़ सारी ऑलरेडी टोटल मेडल ऑफ इंडिया इंडिया के मेडल नहीं था ना 69 मेडल नहीं था 15 गोल्ड 24 सिल्वर और 30 ब्रोंज आ पोजिशन के 8th पोजिशन थी इंडिया हाइएस्ट मेडल किए नहीं हाइएस्ट मेडल नहीं चाइना मोटो आमर कौन थी मोटो थिला कि एनर्जी ऑफ एशिया जोटा कि आमर एबे पड़ा कॉमनवेल्थ गेम मोटो पड़ा एग्जाम काली आईटा हमारे कौन एशियन गेम मोटो एशियन गेम रहा एनर्जी ऑफ एशिया आ टोटल नंबर ऑफ नेशन के जन नेशन हो 45 नेक्स्ट रहा स्टेडियम कौटी होता गियोलरा बंग कारोनो स्टेडियम पचारि पारे आउ मास्कट रहा मास्कट कौन रहा भिनभिन भिन भिन हूँ गोटे बार्ड आउ इका हूँ राइनो आउ अतुंग हूँ डियर तो तीन टा पचारि पारे कि चार्टा ऑप्शन दे दे थो चार्टा ऑप्शन रु एटा कौ थ्रु नुहे तो एमती देखिए पचारि पारे मास्कट नेक्स्ट रहा फ्लाग बियर आम जो जितेबाला ओपनिंग सेरेमनी होता से इंडिया फ्लाग नहीं किए जाइए ना निर्जय चोपड़ा जाइता जे निर्जय चोपड़ा किए ना जैवलीन थ्रो आथलेट आर क्लोजिंग सेरेमनी किए जाइए राणी रामपाल जे कि हकी हकी प्लेयर नेक्स्ट रहा कॉमनवेल्थ गेम तो कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट के 1911 मसीह 1911 दिल्ली आमर कोलकाता दिल्ली कैपिटल जाइता एटा मन रखी थे तो 1911 मसीह लंडन रे हेतला कॉमनवेल्थ गेम तापर हेतला 2010 मसीह रे कोठी हेतला ना न्यू दिल्ली रे हेतला 2010 मसीह रे 2014 रे हेतला स्कॉटलैंड रे मोस्ट इंपोर्टेंट रे 2018 कोठी हेतला ना गोल्ड कोस्ट हेतला ऑस्ट्रेलिया रे और 2022 रे कोठी हबो ना इंग्लैंड बर्मिंगहम रे हबो आ मोटो कौन थी शेयर द ड्रीम्स काली ही पड़ी थी शेयर द ड्रीम्स
टोटल नंबर ऑफ नेशन केते रहले टोटल नंबर ऑफ नेशन रहले 71 टा नेशन रहले हमर एशियन गेम रे हमर केते टा नेशन रहले एशियन एशियन गेम रे रहले 45 टा नेशन आ हमर कॉमनवेल्थ गेम रे रहले 71 नेशन नेक्स्ट रहला हाईएस्ट मेडल के पाइछि हाईएस्ट मेडल रहला ऑस्ट्रेलिया 198 टी मेडल सेकंड रे रहला 136 टी मेडल रे रहला हमर इंग्लैंड नेक्स्ट आसला थर्ड रे इंडिया 66 मेडल 26 गोल्ड आ सिल्वर रहला 20 ब्रोंज रहला 20 हमर जदि कॉमनवेल्थ पचारला ताले 66 मेडल आ जदि पचारला हमर एशियन गेम ताले 69 मेडल आरो मास्कट कोन थिला बारोबी नेक्स्ट रहला हमर फिफा रे रहला कोन जाबीबिका आउ हमर आरो रहला कॉमनवेल्थ रे बारोबी नेक्स्ट रहला ओलंपिक गेम्स फर्स्ट स्टार्ट कोठे थिला ना एथेंस रे स्टार्ट हेतला ग्रीस रो राजधानी होछ एथेंस तो सेठी स्टार्ट हेतला के बेना 1896 मसे रे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट रहला समर ओलंपिक समर दीटा हमर ओलंपिक दी प्रकार समर ओलंपिक विंटर ओलंपिक तो समर ओलंपिक रे कोन रहला हमर 2016 कोठे थिला ना ब्राजील रो रियो डी जेनेरियो रे हेतला आउ जापान जो 2020 मसेर कोठी हबो ना जापान रे हबो जापान टोकियो रे हबो 2024 मसेर कोठी रे हबो ना फ्रांस रो पेरिस रे हबो 2024 रे आ 2028 रे हबो लॉस एंजेलस यूएस रे हबो आ 2016 मसेर ओलंपिक रे हमर इंडिया टोटल केतरा मेडल आनतिला दीटा मेडल आनतिला हाईएस्ट मेडल के नेतिला ना यूएस नेतिला नेक्स्ट आसला विंटर ओलंपिक 2014 मसेर रूसिया रो सोची रहितला 2014 मसेर मोस्ट इंपोर्टेंट 2018 मसेर कोठी हितला ना साउथ कोरिया रो पेंगयांग रे हितला साउथ कोरिया रो सुएल रहितला साउथ कोरिया रो राजधानी सुएल रहितला सॉरी साउथ कोरिया रो पेंगयांग रहितला हाईएस्ट मेडल रहला हमर कोन हाईएस्ट मेडल रहला नॉर्वे नॉर्वे के नेतले के 39 मेडल नेतले इंडिया से तरीना गोटे भी मेडल आनि पर नथला एटा साउथ कोरिया रो पेंगचांग पेंगवांग होउची हमर कोठी पेंगवांग होउची नॉर्थ कोरिया किन साउथ कोरिया रो पेंगचांग रे हेतला नेक्स्ट रहला 2022 रे हमर कोठी हेतले अपन चाइना रो बेजिंग रो नेक्स्ट रहला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप नेक्स्ट रहला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 मसेर कोठी हेतला फर्स्ट हेतला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 इंग्लैंड रे हेतला तापर 2011 मसेर इंग्लैंड जितीतला श्रीलंका सॉरी कोठी हेतला ना इंग्लैंड श्रीलंका बांग्लादेश रे आ एटा तो मन रखिथे नेति इंडिया जितीतला आ श्रीलंका रनर सब थिला तो 2015 मसेर कोठी हबो कोठी हेतला ना ऑस्ट्रेलिया आ न्यूजीलैंड रे हेतला विनर के हेतला ना ऑस्ट्रेलिया रनर सब हेतला न्यूजीलैंड नेक्स्ट रहला प्लेयर ऑफ द सीरीज सेतरे के हेतला प्लेयर ऑफ द सीरीज हेतला मिचेल स्टार्क जोटा ऑस्ट्रेलिया रो हमर बॉलर रहला मिचेल स्टार्क सो से रहितला प्लेयर ऑफ द सीरीज फाइनल मैच रे ना मैन ऑफ द मैच के हेतला फाइनल मैच रे ना जेम्स फॉकनर रहितला ऑस्ट्रेलिया रो ऑलराउंडर आ वेन्यू कोड हेतला फाइनल मैच ता मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड रे एमसीसी रे थिला नेक्स्ट रहला 2019 मसेर कोठी हबो ना इंग्लैंड एंड वेल्स रे 2019 मसेर हबो 2023 मसेर इंडिया रे हबो मोस्ट इंपोर्टेंट 2023 मसेर इंडिया रे हबो तापर मोस्ट टाइटल की पाइछि ऑस्ट्रेलिया 5 थर न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप नेक्स्ट रहला मोस्ट रन अधिक रन की करिछि ना सचिन तेंदुलकर 2278 रन आ मोस्ट विकेट होछि ग्लेन मैकग्राथ 71 विकेट नेक्स्ट रहला आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 रे ना 2007 फर्स्ट हेतला 2007 मसेर फर्स्ट स्टार्ट हेतला तो विनर के थिला सेते बेले इंडिया थिला फर्स्ट विनर तापर 2014 मसेर बांग्लादेश एबे जो हेतला बांग्लादेश रे आ 2016 मसेर हेतला भी इंडिया रे 2016 मसेर जो इंडिया रे हेतला तो सेठी विनर के थिला ना वेस्ट इंडीज थिला रनर्स अप के थिला इंग्लैंड थिला रनर्स अप इंग्लैंड थिला 2020 मसेर हमर कोठी होबो ना ऑस्ट्रेलिया रे होबो 2020 मसेर वर्ल्ड टी20 तो एटा मन रखिथिबे नंबर ऑफ टीम्स केते जण हमर ओडीआई टीम रहले हमर केते जण 12 जण आ एथरे रहले नंबर ऑफ टीम रहले 16 जण मोस्ट रन्स रहले महिला जयवर्धन 20 रे आ महिला जयवर्धन आ हमर जो वर्ल्ड कप रे रहले के रहले सचिन तेंदुलकर मोस्ट विकेट रहले शाहिद आफ्रिदी सेथरे रहले के आ रहले ग्लेन मैकग्राथ नेक्स्ट रहला मोस्ट टाइटल रहला वेस्ट इंडीज 2020 टाइटल बेसी नै छि किंतु वर्ल्ड कप टाइटल अधिक के नै छि ना ऑस्ट्रेलिया नै छि आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2013 इंडिया रे हितला 2017 हितला कोठी 2017 इंग्लैंड रे हितला विनर भी हितला इंग्लैंड रनर्स अप के हितला ना इंडिया हितला परफॉर्मेंस बोल हितला किंतु हारी जाइतला
2021 ମସିହାରେ କେଉଁଠି ହବ ନା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ 2021 ମସିହାରେ ହବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଓମେନ୍ସ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍। ଓମେନ୍ସ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ 2014 ମସିହାରେ କେଉଁଠି ହବ, କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା ବାଂଲାଦେଶରେ ହେଇଥିଲା 2020। 2016 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତ 2016 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିଲା। ୱିନର ହେଇଥିଲେ କିଏ, ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ। ତ 2020ରେ ନା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦୁଇଟା ମେନ୍ ଓମେନ୍ ଆମର ଜିତିଥିଲେ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ, ଆଉ ଆମର 50-50 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ଜିତିଥିଲେ ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମେନ୍ରେ, ଆଉ ଓମେନ୍ରେ ଜିତିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଆଉ ସେଥିରେ ରନର୍ସ ଅପ୍ ରହିଥିଲା ଆମର କିଏ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ମେନ୍ରେ ରହିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଆଉ ଓମେନ୍ରେ ରହିଲା ଆମର କିଏ, ଓମେନ୍ରେ ରହିଲା ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଥିରେ ଏଇନା ରନର୍ସ ଅପ୍ ରହିଲା, ଯୋଉ 2020ରେ ରନର୍ସ ଅପ୍ ରହିଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। 2018 ମସିହାରେ କେଉଁଠି ହବ ନା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ, ଏବେ ହବ ଅକ୍ଟୋବର ନା ନଭେମ୍ବରରେ ହବ, ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ହବ 2018ରେ। 2020ରେ କେଉଁଠି ହବ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଗଲ୍ଫ ୱାର୍ଲଡ କପ୍। ଗଲ୍ଫ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ 2016ରେ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା ହେଇଥିଲା 2016 ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଗଲ୍ଫ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ୱିନର ହେଇଥିଲେ କିଏ ନା ୱିନର ହେଇଥିଲେ ଡେନମାର୍କ। ତ ଗଲ୍ଫ ପ୍ରାୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ, ତ ଯଦି ୱିନର ରହିଥିଲା ଆମର 2016 ମସିହାରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଗଲ୍ଫ ୱାର୍ଲଡ କପ୍, ସେଥିରେ ୱିନର ଥିଲା ଡେନମାର୍କ। ନେକ୍ସଟ ହବ ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ହବ, 2018 ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲଡ କପ୍। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଆମର 2017 ମସିହାରେ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା ଗ୍ଲାସ୍ଗୋ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସ୍ଗୋରେ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା 2018 ମସିହାରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ନାନଜିଙ୍ଗ ଚାଇନାରେ ହବ, ଯୋଉଟାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ 2018 ନାନଜିଙ୍ଗ ଚାଇନା, ଆଉ 2019ରେ ହବ ବାସେଲ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବାସେଲ, 2019ରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବାସେଲ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସୁଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ସୁଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2018 କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା ଚାଙ୍ଗୁନ, ଆଉ ହାଇଏଷ୍ଟ ମେଡାଲ କେଉଁଠି ରହିଲା, ହାଇଏଷ୍ଟ ମେଡାଲ ନେଇଥିଲା ଚାଇନା, ହାଇଏଷ୍ଟ ମେଡାଲ ଚାଇନା, ଆଉ ଫୋର୍ଥରେ ରହିଥିଲା କି ଇଣ୍ଡିଆ, 24ଟା ମେଡାଲ ଆଣିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା 2022ରେ ରହିଲା, 22ରେ ଆମର କେଉଁଠି ହବ ନା ଲଣ୍ଡନରେ, 2022ରେ ଲଣ୍ଡନରେ ହବ। 2018 କହିଥିଲା ଚାଙ୍ଗୁନ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇଟା ଚାଇନା, ଟିକେ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ଚାଙ୍ଗୁନଟା ଚାଇନାର ବୋଧେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ 2018 ମସିହା। 2022ରେ ରହିଲା ଲଣ୍ଡନ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ରେସ୍ଲିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ରେସ୍ଲିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2017 ରହିଲା ପ୍ୟାରିସରେ ହେଇଥିଲା 2017ରେ, ଆଉ ମେନ୍ସ ସେଥିରେ ନା ରହିଛି କ'ଣ, ତିନିଟା ଟାଇପ୍ ରହିଛି, ଗୋଟେ ମେନ୍ସର ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେନ୍ସ ଜର୍ସି ରୋମାନ ଆଉ ଓମେନ୍ସର ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ। ମେନ୍ସ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ 2017 ମସିହାରେ ଜିତିଥିଲା କିଏ, ୟୁଏସ୍ଏ, ଆଉ ସରି ମେନ୍ସ ଜର୍ସୋରୋମାନର କିଏ ଜିତିଥିଲା ନା ରଷିଆ, ଆଉ 2000 ଓମେନ୍ସ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ କିଏ ଜିତିଥିଲା ଜାପାନ, ଯୋଉଟାକି ନାଇଁ ଏଇଟା ଆସିନଥିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବେ। ରେସ୍ଲିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ମେନ୍ରେ ରହିଲା ୟୁଏସ୍ଏ ଆମର ରହିଲା ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲରେ, ଆଉ ଓମେନ୍ସ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲରେ ରହିଲା ଜାପାନ, ଆଉ ଜର୍ସୋରୋମାନରେ ରହିଲା ଆମର ରଷିଆ। ଆଉ 2018 ମସିହାରେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ୟାରିସରେ ହେଇଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସରେ, ଆଉ 2018 ମସିହାରେ ରହିବ କେଉଁଠି ନା ବୁଡାପେଷ୍ଟ, ହଙ୍ଗେରୀର ରାଜଧାନୀ ବୁଡାପେଷ୍ଟରେ ହବ। ଆଉ 2019ରେ ହବ ଆଲମାଟି, କାଜାକିସ୍ତାନର ଆଲମାଟିରେ ହବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ମେନ୍ସ, ଏଇଟା ଗଲା ରେସ୍ଲିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ତାପରେ ଆସିବ ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2017 କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା ହମ୍ବର୍ଗ ଜର୍ମାନୀରେ ହେଇଥିଲା, 2017 ହମ୍ବର୍ଗ ଜର୍ମାନୀରେ ହେଇଥିଲା, 2019 ରଷିଆର ସୋଚିରେ ହବ, 2019ରେ 2017 ରହିଲା ହମ୍ବର୍ଗ ଜର୍ମାନୀ, 2019 ରହିଲା ସୋଚି ରୁଷିଆ, 2021ରେ ରହିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ହବ, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହବ 2021ରେ। ଆଉ ଓମେନ୍ସ ରହିଲା, ଓମେନ୍ସରେ ରହିଲା 2018 ମସିହାରେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାନେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ 2019ରେ କେଉଁଠି ହବ ଟର୍ବାଜନ ଟର୍କିରେ ହବ, ଟର୍କିରେ ଟର୍ବାଜନରେ ହବ 2019ରେ ଓମେନ୍ସ ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କବାଡ଼ି। କବାଡ଼ିରେ କେତେଟା ଟିମ୍ ରହିଲେ, ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟିମ୍ କବାଡ଼ିରେ ରହିଲେ 12ଟା, ମୋଷ୍ଟ ଟାଇଟଲ୍ ରହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆର ତିନିଥର ଯେତେଥର ମାନେ ଟୋଟାଲ ଆଜି ଯାଏଁ ତିନିଥର ହିଁ ଖେଳ ହେଇଛି, ତିନିଥର ଯାକ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଜିତିଛି, 2004, 2007, 2016 ତ ତିନିଟା ତିନିଥର ଖେଳାଯାଇଛି, ତିନିଥର ଯାକ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଟାଇଟଲ୍ ନେଇଛି। ଚାମ୍ପିଅନ ରହିଲା 2016 ଚାମ୍ପିଅନ ରହିଲା ଇଣ୍ଡିଆ, ରନର୍ସ ଅପ୍ ରହିଲା କିଏ ଇରାନ, ଇରାନକୁ ହରେଇ ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ଏସ୍ଏସ୍ରେ, ଇରାନକୁ ହରେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 2019ରେ କେଉଁଠି ହବ ନା ଦୁବାଇରେ ହିଁ ହବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଟେନିସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟେନିସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଟେନିସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ରେ ରହିଲା କ'ଣ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଓପନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଲା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓପନ୍ ଦେନ୍ ରହିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଓପନ୍ ଦେନ୍ ରହିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଦେନ୍ ରହିଲା ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଦେନ୍ ରହିଲା ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍। ଏଇ ଚାରିଟା ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଗ ରହିଲା କ'ଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ତାପରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ତାପରେ ୱିମ୍ବଲଡନ୍, ତାପରେ ରହିଲା ୟୁଏସ୍, ଯେଉଁ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଏବେ ହିଁ ଜଷ୍ଟ ସରିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଓପନ୍ରେ ମେନ୍ସରେ କିଏ ଜିତିଥିଲା, ମେନ୍ସରେ ଜିତିଥିଲା ରୋଜର୍ ଫେଡେରର, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଓପନ୍ ରହିଲା ରୋଜର୍ ଫେଡେରର, ରନର୍ସ ଅପ୍ କିଏ ରହିଥିଲା ମାରିନ୍ ସିଲ୍ସି। ଓମେନ୍ସରେ ରହିଲା କିଏ, କରୋଲିନା ୱୋଜିନିକା
ଅଜନିକି ଆଉ ରନର୍ସ ଅପ୍ କିଏ ରହିଥିଲେ ସିମୋନା ହେଲେପ, ଆମର କିଏ ରହିଲେ ମେନ୍ସରେ ରହିଲେ ରୋଜର୍ ଫେଡେରର୍ ୱିନର୍, ଓମେନ୍ସରେ ରହିଲେ କାରୋଲିନା ଓଜିନିକା। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନରେ ମେନ୍ସରେ ଜିତିଥିଲେ କିଏ ନା ରାଫେଲ ନାଡାଲ, ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେଇଥିଲା ଡୋମିନିସ୍ ଥାଇମ, ଆଉ ଓମେନ୍ସରେ ନା ଜିତିଥିଲେ କିଏ ସିମୋନା ହେଲେପ, ଯିଏକି ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର କେଉଁଠି ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନରେ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେଇଥିଲେ, ସିଏ ଆମର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନରେ ଜିତିଥିଲା। ଆଉ ରନର୍ସ ଅପ୍ କିଏ ହେଇଥିଲା ସିଲୋନା ଷ୍ଟିଫେନ୍ସ। ତାହେଲେ ୱିନର ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ହେଲେ, ୱିନର ହେଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନର ରାଫେଲ ନାଡାଲ ଆଉ ସିମୋନା ହେଲେପ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ୱିମ୍ବିଲଡନ, ୱିମ୍ବିଲଡନରେ ରହିଲା ନୋବାକ୍ ଡି ଜୋକୋଭିକ ରହିଲା ଆମର ମେନ୍ସରେ, ଆଉ ଓମେନ୍ସରେ ରହିଲା କିଏ ଆଞ୍ଜେଲିକ କ୍ୟୁ କାର୍ବର ୱିନର, ଆଉ ରନର୍ସ ଅପ୍ ରହିଲା ମେନ୍ରେ ରହିଲା କେବିନ୍ ଆଣ୍ଡରସନ, ଓମେନ୍ସରେ ରହିଲା ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସ, ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସ ତ ଜାଣିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ତାହେଲେ ୱିନର ରହିଗଲେ ନୋବାକ୍ ଡି ଜୋକୋଭିକ, ଆଉ ଓମେନ୍ସରେ ରହିଲା ଆଞ୍ଜେଲିକ କ୍ୟୁ କାର୍ବର। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ୟୁଏସ୍ ଓପନ, ୟୁଏସ୍ ଓପନରେ ରହିଲା ନୋବାକ୍ ଡି ଜୋକୋଭିକ ୟୁଏସ୍ ଓପନ, ଆଉ ଯୋଉ ରନର୍ସ ଅପ୍ କିଏ ରହିଲେ ଜୁଆନ ମାର୍ଟିନ ଡେଲ ପୋଟ୍ରୋ ରହିଲା ରନର୍ସ ଅପ୍, ଆଉ ଓମେନ୍ ରହିଲା ନୋଆମି ଓସାକା, ନୋଆମି ଓସାକା ରନର୍ସ ଅପ୍ ରହିଲା ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସ, ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍, ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ରୁ ବହୁତ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି ଏବେ, ତ 2018 ଯୋଉ 36th ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର ଗୋଆରେ ହେଇଥିଲା, 2019 ହବ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ରେ, 2020 ହବ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ, 2022 ହବ ମେଘାଳୟରେ। ତ ଆମର ଅଲରେଡି ପଡ଼ିସାରିଲାଣି, 2018 ଗୋଆ ପଡ଼ିଛି, 2019 କାଲି ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଛତିଶଗଡ଼, ଆଉ 2020 ମନେ ରଖିଥିବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଆଉ 2022 ରହିଲା ମେଘାଳୟ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଉପରେ, ଏଇନା ସ୍ପୋର୍ଟସର ଅପକମିଂ ଇଭେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ରହିଲା, ଯୋଉ ଗେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସରିଯାଇଛି ତାର ରନର୍ସ ଅପ୍ କିଏ, ତାର ୱିନର କିଏ, କେତେ ଟିମ୍, ଡିଟେଲ ଆନାଲିସିସ୍ ରହିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆର PDF ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ଆମର ଦେଇଦେବୁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ବି ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ର ଡେଲି ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ସବୁ GK କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିମ୍ବା ରିଜନିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆଲୋଚନା ରହୁଛି। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।